स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आइडिया आपको लग गया कि दोज आइसोमर्स दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, इन दैट वी हैव फर्स्ट क्लास चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है यहाँ पर चेन. चेन में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों स्ट्रक्चर्स में चेन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. जैसे सपोज पहला एग्जाम्पल उठाएंगे ब्यूटेन. ब्यूटेन क्या था, इसका पहले लिखेंगे हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4. फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2, तो इट वुड बी H10. ऑलराइट, सो इट वुड बी C4H10. एंड इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या पॉसिबल हैं, एक तो सिंपल सा स्ट्रक्चर जो दिमाग में आता है ब्यूटेन का, ये हो सकता है. दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये हो सकता है, ये भी तो हमारा क्या है ब्यूटेन है, सॉरी दिस, ये भी जो हमारा ब्यूटेन है इसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में आइसोब्यूटेन. ये तो हमारा क्या हो गया एन ब्यूटेन. सी, हमने आयुपेक नेमिंग तो सीख ली. आयुपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग आप इसको ऑब्वियसली नाम दे सकते हो. कैसे नाम दोगे, चेन बनाएंगे, 1, 2 नंबर दोगे, सेकेंड में मिथाइल लगा हुआ है तो 2-methyl propane, सिंपल सा इसका आयुपेक नेम हो गया. लेकिन क्या होता है, देखो कॉमन लाइफ में आयुपेक नेम हमेशा नहीं चलते हैं, या फिर कॉमन लाइफ को भूल जाएगा. हम एग्जाम भी उठा के देखें तो एग्जामिनेशन में भी कभी भी कभी आयुपेक नेम नहीं गिवन होते हैं, तो वहाँ पे जनरल नेम गिवन होते हैं. तो इसके लिए आपको आयुपेक नेम के साथ साथ जनरल नेम भी पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे इसका हो गया एन ब्यूटेन. देखो एन वर्ड कब लगता है, एन वर्ड तब लगता है, बेसिकली एन प्रीफिक्स है, एन तब लगता है जब सीरीज एक स्ट्रेट लाइन हो, दैट्स ऑल. जैसे एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है. अच्छा, इसमें अगर लास्ट में कोई सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, कुछ भी हो, तो उसका हो जाएगा एन ब्यूटेन क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन का ब्यूटाइल बन जाएगा ना, क्योंकि एल्काइल पार्ट बन जाएगा, तो दैट वुड बी एन ब्यूटाइल. मतलब इसी को आप एल्काइल भी लिख दोगे और इसी को हम बाद में ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन. क्लियर, तो एन का वर्ड, एन वर्ड का मतलब क्लियर हुआ. तो ये क्या है आइसो. आइसो देखो कब आता है, मैं इस पार्ट को नाम देता हूँ आइसो. दिस इज कॉल्ड आइसो, मतलब 3 कार्बन की अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो, जब यहाँ पे कुछ भी हम लगा सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड आइसो. ये होता है आइसो ब्यूटेन. इसी तरह से मैं बना सकता हूँ आइसो पेंटेन. यहाँ पे एक और कार्बन लगा दे तो दिस बिकम्स आइसोपेंटेन. ठीक है ना. अच्छा, ये हो गया आइसो. अब इसी तरह से अगर मैं क्या करता, यहाँ पे अगर क्लोराइड लगाता सपोज, तो क्या बन जाते, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है ना. अच्छा, एन आइसो के अलावा एक और नाम होता है नियो. नियो का मतलब क्या होता है, नियो होता है ये ग्रुप. ठीक है ना. तो ये मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, पेंटेन के केस में, ये होता है नियो पेंटेन. ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कार्बन ना लगा के क्लोराइड लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा नियो ब्यूटाइल क्लोराइड. लेकिन उसको नियो नाम कम देते हैं, हम यहाँ पे जनरली पेंटेन के लिए देखते हैं इसको, नियो पेंटेन, नियो पेंटाइल. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नियो. खैर, ये तो जनरल नाम, जनरल नेम देखे हमने, हम आइसोमर्स देख रहे थे. देखो ये दोनों हुए आइसोमर्स, क्यों हुए, दोनों का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर डिफरेंट करा, डिफर करा, बिल्कुल करा. इसमें ये था एन वाला और ये था आइसो वाला. इसमें एक ब्रांच आ रही है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रक्चर तो क्लियरली दिख रहा है डिफरेंट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें वी हैव डन सम चेंज इन द चेन. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का एग्जांपल उठाते हैं. ब्यूटेनॉल क्या होगा, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, C4H9OH. ओके, सो इट वुड बी सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है. और क्या हो सकता है, ये वाला OH में लास्ट में लगा के कहीं पे यहाँ पे भी लगा सकता हूँ सेकंड पोजीशन पे. ठीक है, ये भी हो सकता है. अब देखो ये वाला खैर चेन आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा, पहली बात कि चेन आइसोमेरिज्म में क्यों नहीं आएगा, श्योर है कि आइसोमर तो होंगे ये दोनों, बट वो नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगा,
पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। खैर अभी क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या बात हुई थी, हमें चेंज करना है सिर्फ चेन में और कहीं चेंज नहीं होना है, मतलब ये पार्ट तो ही कहीं रहेगा, आप जो चेंज करना है यहाँ पे करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ इस टाइप का चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे ओ है, तो ये क्या होंगे चेन आइसोमर्स, क्यों, क्योंकि हमने चेंज करा सिर्फ चेन में, हमने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने पोजीशन चेंज करी है, नहीं, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, चेंज आया तो सिर्फ चेन में, यहाँ पे था एन ब्यूटाइल और यहाँ पे इट इज आइसोब्यूटाइल, सो दैट इज व्हाई दिस आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन आइसोमर्स में एक प्रॉपर्टी और होती है कि आप उनका नाम लिखोगे ना, तो नाम का भी मतलब, जैसे यहाँ पे देखें आईपैक नेम से देखो, आईपैक नेम सपोज इसका लिखते हैं तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन, दैट्स ऑल। अब इसका लिखना, इसका क्या था, टू मिथाइल प्रोपेन, यही होगा, ठीक है। नोट करने वाली चीज क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रहे लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ब्रांच में चला गया, तो दैट इज वाई ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्यूटेन था तो यहाँ पे प्रोपेन हो गया। तो मतलब फाइनल नेम जो होगा, जो उसका प्रिंसिपल नेम होगा, एक तरह से कह सकते हैं प्रोपेन ब्यूटेन, जो लास्ट वाला नेम होगा ना, वो कभी सेम नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी है चेन आइसोमर्स की, और इट इज ऑब्वियस ऑल्सो वाई, बिकॉज चेन तो तभी बनेगी ना जब हमारा कभी भी क्या कहते हैं चेन में कोई चेंज आएगा, और चेन में चेंज कब आएगा, जब हम कभी ब्रांचिंग करेंगे, और ब्रांचिंग करते ही लास्ट वाला नाम चेंज हो जाएगा। Why? Because number of carbons in the longest possible chain reduces. ठीक है, तो इसलिए chain isomers को देखने का एक ये भी तरीका हो सकता है। Next isomerism देखेंगे, positional isomerism. Next type of isomer